हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस कैप्टन मिलर देख रहा हूँ। आधी रात को रात खराब करके कैप्टन मिलर देखने के लिए गया, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जो ट्रेलर देखो संतुष्टि जो मिली थी, जो आनंद आया था कि यार कैप्टन मिलर तो ये जो 12 तारीख को जो मूवी जितनी भी रिलीज हो रही है सबका रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ऊपर टॉप लिस्ट में रहेगी। लेकिन अभी देखने में यही लग रहा है पोजीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है कि हनुमान मूवी आगे निकल जाएगी और यहाँ पर कैप्टन मिलर को हिंदी में तो ऑडियंस कम से कम नहीं मिलेगी, क्योंकि साउथ के टाइम पे साउथ में तो क्या है कि धनुष का जलवा है भाई, साउथ में उनका अलग ही क्रेज है। तो हो सकता है साउथ में पैसे कमा ले थोड़ी बहुत चल जाए, लेकिन हिंदी में ना इन्होंने प्रमोट किया है, ना इन्होंने कुछ वैसे ऑडियंस इनकी पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रमोट कुछ भी नहीं किया है, मतलब हिंदी साइड में, और ना ही हिंदी वालों को इतनी पसंद आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर स्टोरी क्या है कि डावाडोल हो गई, स्टोरी एक लाइन में नहीं चल रही है। जैसे हनुमान मूवी आपने देखी होगी, मैंने आज दिन में सुबह का शो हनुमान का देखा और अभी आफ्टरनून में ये सॉरी रात में अभी ये देख के आपको रिव्यू के लिए अभी लेट नाइट में रिव्यू दे रहा हूँ। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर बनता है। तो गाइस ये क्या है कि स्टोरी अपने लाइन में नहीं चल रही है, भटक जाती है, कभी मंदिर का विवाद में आ जाता है, कभी अंग्रेजों से लड़ाई हो रही है, कभी धनुष की कहानी को दिखाया जाता है कि कैसे वो बागी बन गया, कैसे रिबेल बन गया। तो मतलब कि लोगों को अट्रैक्ट करके सस्पेंस नहीं बना पाती है, लोग बैठ नहीं पाते अपनी कुर्सी पर, लोग चाहते हैं कि उठ जाएँ बीच में से चले जाएँ। काफ़ी ऑडियंस जो ऐसी थी जो इंटरवल के बाद निकल के चली भी गई थी, लिटरली निकल के चली गई, बोला टाटा बाय बाय, ओके बाय, गुड नाइट, खत्म, फिनिश। तो क्या है कि कहानी में इतना मजा आया नहीं जितना ट्रेलर देख के आया था। ट्रेलर के हिसाब से लग रहा था कि कहानी में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा मिला नहीं। लगभग कोई भी जो बाकी टाइप की मूवी आई पान सिंह तोमर टाइप की, उसे वैसे ही प्रेरित है। पान सिंह तोमर भी जिस तरह से वो पुलिस में था, आर्मी में था, और फिर एक तरह से बागी होकर डाकू के साथ में रहने लगा और डाकू बन गया, वैसे ही लगभग मिलती जुलती मूवी है। और जैसे मैंने ट्रेलर में आपको पहले बता दिया था कि मूवी की क्या स्टोरी लाइन होने वाली है, कैसे वो बागी बन जाएगा और किस प्रकार से अंग्रेजों से बदला लेगा, एक लोगों से अपने लोगों के लिए काम करेगा, तो लगभग वही कहानी है। कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया, मतलब कि फाइट सीन है, एक्शन सीन अच्छे हैं, लेकिन स्टोरी लाइन अपने आप में भटक गई है। धनुष की एक्टिंग अच्छी है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, हिंदी में जो डब हुआ है वो भी अच्छा किया गया है। तो कुल मिला के 5 में से 3 स्टार्स को देना कोई बुरी बात नहीं है। देखते हैं क्या रिजल्ट लेके आती है, लेकिन मेरा सपोर्ट अभी के लिए जो बता रहा हूँ रिव्यू के हिसाब से हनुमान मूवी आगे जाएगी और बहुत ही शानदार मूवी है। उसका भी रिव्यू डाल दिया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, उसको भी देखें जरूर। थैंक यू गाइस।